तो अपन क्या देख रहे हैं, टू डेज द्वार देखेंगे। अब मैं उसे आज से द्वार बनाऊंगा, पिछले 75 डी का हार्ड चैलेंज बनेंगे, द्वार अपन डिस्कस करेंगे। द्वार का मतलब होता है डी मतलब जो मैंने किया, व्हाट आई डिड, डब्ल्यू का मतलब व्हाट विल आई डू मैं क्या करूँगा, ए मतलब होता है अचीवमेंट एंड आर मतलब होता है रिग्रेट, है ना। तो मैंने जो किया है उसको देख लेते हैं आप, है ना। सबसे पहले मैंने हार्ड चैलेंज देखा है अपन, तो जो कि क्या है, व्हाट आई डिड, मैंने वन लेक्चर बायो का किया था आज, जिसमें एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन और किडनी के बारे में देखा था, एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन और किडनी के बारे में देखा था मैंने, समरी लेक्चर भी डाला था, मुझे इसे समझ में आ चुका है, मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ किसी को भी, ठीक है ना। फिर मैंने स्कूल गया, स्कूल में मैंने लोकोमोशन चैप्टर पढ़ा था, वहाँ भी बायो का स्कूल में मैंने पढ़ा था लोकोमोशन चैप्टर, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने पूरा का पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर, और कल मैंने पूरा मसल्स और मसल के प्रोटीन पढ़ लिए थे, और उसके आगे का चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पूरा चैप्टर होने वाला है लोकोमोशन। फिर मैंने वन लेक्चर फेस का लिया आकर स्कूल से आके, है ना। अगेन फिर मैंने एक कैपेसिटेंस का और अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बताया था सर ने, उसमें जो कि मैंने समरी लेक्चर में भी डाल दिया आपने, इसका समरी लेक्चर भी मैंने डाला है, इसमें सब समझ में आ गया था मुझे, अर्थिंग कैसे होती है, कैपेसिटेंस के बारे में क्या बताया सब कुछ। फिर टाइम बच गया था तो मैंने रिवाइज़ किया पोटेंशियल वाले पार्ट को, जो कि करना ही चाहिए था, है ना। करंट पोर्शन को रिवाइज़ करना लगा था, मेडी जी को हाईलाइट करके डाल दिया था। फिर मैंने फिजिक्स को रिकॉल किया, एक घंटे पुराना बेसिक मैथ से लेकर रोटेशन तक वाला पार्ट, ठीक कोई सॉल्व नहीं किया सवाल, इसमें सॉल्व कर सकता था पर रिकॉल किया मैंने, वो सारा बेसिक फॉर्मूले सारे याद आ गए थे मुझे इसमें, है ना। फिर मैंने 3 से 19 से 4:30 तक गाने सुने, जो कि मोटिवेशनल सॉन्ग थे, जो कि ज़रूरी भी थे, मज़े भी आया इसमें, मोटिवेशन सॉन्ग थे लेकिन इनको सुनना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट हुआ। एंड 4:30 से 5:30 तक मैंने स्मार्ट बोर्ड के बारे में देखा, जो भी अगेन टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। हाँ, अब मैं ऐसा करूँगा, कुछ ब्रेक्स में इन गानों को सिलेक्ट करके रखा है, उन ब्रेक्स में सुन लिया करूँगा, ब्रेक में अकेले, और ब्रेक में मैं तो समरी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक। 5:30 से 6 तक मैंने शॉप पे गया, वो भी टाइम वेस्ट था। देन 6 से 8 तक मैंने लेक्चर लेना था, पर मैंने कुछ कम टाइम इसमें लेक्चर लिया, पूरे टाइम बैठ के नहीं लिया लेक्चर, खाना खाते खाते बीच में लिया, हाफ लेक्चर था वो हो गया था कम्प्लीट, ठीक। देन मैंने 8 से 9:47 यानी अभी तक मैंने 1 घंटे का बायो का लेक्चर, अगेन फिर से दूसरा वन शॉट चल रहा है मेरे, तो केमिकल कंट्रोल कंडीशन का मैं लेक्चर लेना था, ठीक है, सॉरी न्यूरल कंट्रोल कंडीशन का लेक्चर ले रहा था मैं, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का लेक्चर ले रहा था, जिसमें ब्रेन के अभी तक न्यूरॉन क्लियर हो चुका है अपना, न्यूरॉन वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, तो ओवरऑल न्यूरॉन वाला पार्ट चल रहा है, वहाँ एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन और किडनी चल रहे हैं, और लोकोमोशन में अपेंडिक्स, 3 चैप्टर अपने एक साथ चल रहे हैं, मतलब फाइनली मैं बताऊँ तो मैंने बायो टच करी, केमिस्ट्री टच करी, फिजिक्स टच करी, फिर बायो फिर से टच कर ली, स्कूल में ही बायो टच करी तो बायो को जारी चल रही है, फिजिक्स को जारी चल रही है, फिजिक्स को मैंने रिकॉल भी करा, फिजिक्स के मैंने रिविजन भी करा, ठीक। केमिस्ट्री का बहुत कम चल रहा है, केमिस्ट्री में फिजिकल बिल्कुल टच नहीं करी, जो करनी चाहिए थी। देन सो अब मैं क्या करूँगा, आगे की बात चल रही है, अब मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, मैं बायो का लेक्चर वैसे कैसे करूँगा, फिजिक्स का वैसा रिवीजन वन और रिवीजन टू जो कि फिजिक्स के हैं, वैसे के वैसे समरी लेक्चर सबके डालूँगा, इसका भी इन रिवीजन का भी, एंड देन फिजिकल जो मैंने आज नहीं किया वो मैं करूँगा, बायो जो मैंने आज नहीं किया वो भी मैं करूँगा, पक्की बात है 100% क्वेश्चंस करने मतलब इनके क्वेश्चन नहीं करें, और केमिस्ट्री का लेक्चर प्रॉपर करेंगे कल से अपन 2 घंटे का एक्जैक्टली, केमिस्ट्री को एक्जैक्टली 3 घंटे देना ही, ठीक है ना। फिर जाओगा ये मतलब होता है अचीवमेंट, अचीवमेंट मैं बहुत बड़ा नहीं मान रहा आज, कोई ऐसा अचीवमेंट है मेरे पास, है ना, तो फिर भी अपन देखें, तो मैंने रिकॉल जो किया था उसमें मुझे सारे फॉर्मूले याद आ गए थे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैंने ऐसा कारनामा आज किया ही नहीं है, अचीवमेंट के पास मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर कल से अगर मैं जहाँ चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 180 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, या 200 क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो वो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे होना चाहिए, आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाली, ठीक। अब आता है रिग्रेट, रिग्रेट है, सबसे पहले तो मैंने 5 बजे से उठ गया था, क्लास स्टार्ट नहीं करी थी, 6 बजे से करी थी, वो एक रिग्रेट है कि 5 से 6 मैंने टाइम यूटिलाइज नहीं किया था। दूसरा रिग्रेट मैंने फिजिकल नहीं करी, क्योंकि 5 से 6 करनी रहती, फिजिकल मैंने नहीं करी, सिंपल सा फंडा था वन शॉट देखकर डीपीपी और पीवाईक्यू करने, दूसरा रिग्रेट। तीसरा रिग्रेट
मैंने बायो के टाइम को क्वेश्चन देने में यूज़ नहीं करा, क्वेश्चन करने में हेड शॉट देखने में यूज़ कर लिया। ठीक है, ये तीनों मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और मैंने सॉन्ग सुनने में 2 घंटे वेस्ट करे, वो भी नहीं करना, वो भी रिग्रेट है। फाइनली 2, 3, 4, 5 घंटे का मुझे फैसिलिटी करना है। दैट्स इट।